वेलकम बाइक को आज के एजुकेशन चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अब हम यहाँ पर जो राजस्थान जीके की क्लासें लगातार आपकी चल रही है, तो उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए आप के लिए आज मैं राजस्थान के एक बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। तो आप सभी अपने दोस्तों को बताएं और इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है? आप इस टॉपिक के माध्यम से अगर आपने इससे पहले पढ़ रखा है तो आप अच्छे से अपने टॉपिक की रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? और अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो आप यहाँ से एक एक चीज़ को बारीकी से समझ सकते हो। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और अपनी तैयारी को चालू रखें। इसी क्रम में आज अपन राजस्थान जीके का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? चलो अपन चालू करते हैं। हो गया, चलो अपन चालू करते हैं। देखो, हमारा एक टॉपिक है बेहतरीन राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, ठीक है? कौन सा टॉपिक है? संत संप्रदाय। आप भी इसी प्रकार से आराम से बड़े लिखे, संत संप्रदाय, ठीक है? बहुत बढ़िया टॉपिक है। आप बारीकी से इसको पढ़े, मैं जड़ से पढ़ाऊंगा, आपकी प्रत्येक चीज को यहां पर क्लियर करवाऊंगा। तो अपना जो संत संप्रदाय है उसमें हम पहला टॉपिक ले लेते हैं, संत रामचरण जी। कौन से संत? रामचरण जी, ठीक है? इनके बारे में अपन फटाफट बात कर लेते हैं। देखो, संत रामचरण जी का अगर हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 1720 ईस्वी में। कहां पर होता है? सोडा ग्राम। ये सोडा ग्राम कहां पर पड़ता है? जयपुर में। तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है, क्योंकि देखो लोग देवताओं से या फिर लोक संतों से जो प्रश्न पूछा जाता है तो उनके जन्म से संबंधित आजकल ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसी प्रकार से पूरा टॉपिक बड़े ध्यान से देखें। तो सबसे पहले क्या लिखा अपन ने, संत रामचरण जी का जन्म कब हुआ? 1720 ईस्वी में सोडा ग्राम जयपुर में हुआ। भले ही आपको सन याद नहीं रहे पर आपको गांव याद जरूर रखना है। पहली बात तो आपको यह याद रखनी है। दूसरी बात है, ये देखो कौन से निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। कौन से संत थे? निर्गुण भक्ति धारा के ये संत थे, ठीक है? इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम रामकिशन। आप ये भी याद रखें क्योंकि प्रश्न देखो कहां से आता है, हमें खुद को भी पता नहीं रहता। तो आप तो टॉपिक को पूरा देखें। सबसे पहला क्या लिखा, संत रामचरण जी का जन्म कब हुआ? 1720 ईस्वी में। कहां पर हुआ? सोडा ग्राम जयपुर में। और ये कौन से थे? निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। और इनके बचपन का नाम क्या है? रामकिशन, ठीक है? देखो, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना, पहला प्रश्न क्या बनेगा अपना? बहुत बढ़िया, राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने करी है? रामचरण जी ने, रामचरण जी ने, ठीक है ना? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना कहाँ किसने करी है? रामचरण जी ने। और राम स्नेही संप्रदाय के व्यक्ति किसको मानते हैं? तो नाम से पता चल रहा है, राम को, ठीक है ना? राम भगवान की ये पूजा उपासना करते हैं। पर यहाँ पर जो मुख्य बात की गई है वो किसकी की गई है? निर्गुण भक्ति धारा की ये प्रसिद्ध संत थे, ठीक है? और जो राम स्नेही संप्रदाय के जो भी सदस्य होते हैं वह कौन से? गुलाबी धोती पहनते हैं, गुलाबी धोती पहनते हैं। आपको ये बात भी याद होनी चाहिए, ठीक है? आगे अगर अपन इनके बारे में बात करते हैं तो और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो, राम स्नेही संप्रदाय की कितने पीठे? चार। राम स्नेही संप्रदाय की
पीठ है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। राम शनि संप्रदाय की कितनी पीठे हैं, तो आपका जवाब रहेगा चार। ठीक है, कौन कौन सी है वह, एक तो आएगी नंबर एक शाहपुरा, रेण, सिंहथल, खेड़ापा। शाहपुरा कहां पर है, ये भीलवाड़ा में है। रेण कहां पर है, ये अलवर में। सिंहथल कहां पर है, बीकानेर में। और खेड़ापा कहां पर है, जोधपुर में। ठीक है, चलो चलो इसको, सॉरी इसको यहां लिखना, खेड़ापा नागौर में। ठीक है, चलो तो राम शनि संप्रदाय की कितनी पीठें, चार। इनके आप संत वगैरह याद रखना, शाहपुरा की जो पीठे प्रधान पीठे, इसके जो संस्थापक है वो कौन है, रामचरण जी, रामचरण जी इनके हैं, दरियाव जी इनके हैं, हरि रामदास जी, हरि राम दास जी और इसके हरि दास जी। ठीक है, ये मोटी मोटी सी जानकारी है, आप इनको बढ़िया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। राम शनि संप्रदाय की चार पीठें, भगवान राम को मानते हैं, निर्गुण भक्ति धारा के, जन्म सोडा ग्राम में हुआ। ठीक है, इनके बचपन का नाम राम की संता, इनकी चार पीठें हैं राजस्थान में, कौन कौन सी, शाहपुरा, रेण, सिंहथल और खेड़ापा। शाहपुरा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, रेण अलवर में, सिंहथल बीकानेर में। इनके संस्थापक आपको याद रखना, रामचरण जी, दरियाव जी, हरि रामदास जी और रामदास जी। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किनका, रामचरण जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अरण भवानी। ठीक है, आप इसको भी अच्छे से याद कर लें, इनके जो भी साहित्यिक रचनाएं जो किस कौन से ग्रंथ में लिखी हुई है, अरण भवानी में इनका प्रसिद्ध ये ग्रंथ है। तो आपको मोटी मोटी जानकारी याद रखनी है, और अपन अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, कौन से वाले पे, जो पहला लोक संत हमारे वो हो गए। चलो इसके बाद में चलते हैं अपन लाल दासी संप्रदाय, कौन से लालदासी संप्रदाय के बारे में आपको, देखो इन सभी के बारे में ऐसा कुछ गहराई वाला कुछ भी नहीं है, आपको इनका जन्म परिचय इस प्रकार से छोटे मोटे क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, देखो लालदासी संप्रदाय किसने चलाया, तो नाम से ही पता चल रहा है लाल दास जी ने। ठीक है, किसने चलाया, लाल दास जी ने। लाल दास जी का जन्म कहां हुआ, धोली धुवन, कहां पर हुआ, धोली धुवन, ये कहां पर पड़ता है, अलवर में। ठीक है, और इसके बाद में एक बढ़िया, इनका प्रसिद्ध स्थान, लाल दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ, लाल दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ, लाल दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, नगला जहाज, ये कहां पर पड़ता है, भरतपुर में। ठीक है ना, आपको इस प्रकार से ये प्रश्न भी याद रखना है, नगला जहाज भरतपुर में। और लाल दास जी की समाधि कहां पर है, ये भी आपको याद रखना है, शेरपुर में। मैं एक बार अच्छे से दोहरा देता हूं, लाल दासी संप्रदाय किसने चलाया, लाल दास जी ने। लाल दास जी का जन्म कहां हुआ, गांव धोली धुवन अलवर में हुआ, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद में कौन सा आता है, लाल दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, नगला जहाज में, और नगला जहाज कहां पर है, भरतपुर में, और लाल दास जी की समाधि स्थल कहां है, शेरपुर में। ये शेरपुर कहां पर है, आपका अलवर में।
ठीक है। इस प्रकार से आप ये मोटी मोटी जानकारी लालदास जी के बारे में याद रख सकते हो। चलो इसके बाद में अपन और आगे बात करते हैं, किन की? लालदास जी की। लालदासी संप्रदाय, कौन सा? लालदासी संप्रदाय। अब देखो, जो भी व्यक्ति लालदासी संप्रदाय में आएगा उसको किस प्रकार से लालदासी संप्रदाय की दीक्षित होना पड़ेगा, वो उसमें शामिल होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, लालदासी संप्रदाय में आने वाला व्यक्ति, लालदासी संप्रदाय में दीक्षित, लालदासी संप्रदाय में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को गधे पर उल्टा बैठा कर वह काला मुह किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, लालदासी संप्रदाय में अगर आप भी शामिल होना चाहते हो तो ये काम आप जरूर करना। क्या करना पड़ेगा? गधे पर उल्टा बैठना पड़ेगा और आपका आपके मुंह पे काली पोत दी जाएगी। ठीक है, और आप किस में शामिल हो जाओगे? लालदासी संप्रदाय में। एक और काम की बात है, लालदासी संप्रदाय में दीक्षित होने वाले व्यक्ति खुद कमाकर खाते हैं, खुद कमाकर खाते हैं। ठीक है ना, लालदासी संप्रदाय के व्यक्ति खुद कमा के खाते हैं, इधर उधर भीख नहीं मांगते कटोरा लेके। ठीक है, खुद मेहनत करते हैं, खुद कमा के खाते हैं। और लालदासी संप्रदाय के व्यक्ति जो विवाह करते हैं वह किससे करते हैं? मेव जाति में ये व्यक्ति विवाह करते हैं। तो ये मोटी मोटी जानकारी याद करना। मैं एक और बात बता दूं, इनका जन्म कहां पर हुआ तो आपको याद रखना है, धौली धुवन में। इनका प्रसिद्ध पीठ कहां पर है तो इनकी प्रसिद्ध पीठ कहां पर है? नगला जहाज में। कहां पर है? नगला जहाज में है। और इनकी समाधि कहां पर बनी हुई है तो समाधि आपको याद रखना है शेरपुर में। शेरपुर कहां पर है? अलवर में। नगला जांच कहां है? भरतपुर में। तो इस प्रकार से आप लालदासी संप्रदाय के बारे में मोटी मोटी जानकारी रख सकते हो। ठीक है ना, चलो आगे अपन अगले टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने आपको अभी तक कितने संप्रदाय पढ़ाए? दो। मैं लास्ट में उनकी रिवीजन भी करा दूंगा एक बार, राम स्नेही संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चरणदास जी। अब आप इनके बारे में भी याद रख लेना मोटा मोटा, चरणदास जी। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसने करी? चरणदास जी ने। स्थापना चरणदास जी ने की है ना। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसने करी? नाम से पता चल जाता है कुछ चीजों का, तो चरणदास जी ने। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है चरणदास जी का जन्म कहां पर हुआ? जहां पर पड़े चरण वहां डल गया डेहरा, डेहरा में। ठीक है ना, डेहरा कहां पर पड़ता है? ये अलवर में। यानी कि लालदासी संप्रदाय का संबंध भी राजस्थान के पूर्व दिशा से ही, और चरणदासी संप्रदाय का संबंध भी राजस्थान के पूर्व दिशा से है। तो आप इस प्रकार से इनका जन्म तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। चरणदास जी का जन्म कहां हुआ? डेहरा। और डेहरा कहां पर है? हमारा ये अलवर में। ठीक है, चलो आगे अपन चरणदास जी की प्रधान पीठ भी, ये अभी रेट में पूछा गया था, चरणदास जी की प्रधान पीठ, चरणदास जी की प्रधान पीठ
प्रदान पीठ, ये कहां पर है? दिल्ली में, है ना। चरणदास जी की प्रदान पीठ कहां पर है? दिल्ली में। और राजस्थान में इनका जन्म पूछा जाता है तो डेरे में, ये प्रश्न पूछा गया था अभी रेट में, तो आप इस प्रकार से इसको याद रखें। और देखो चरणदास जी का जो संप्रदाय है वह किसमें शामिल होता है? सगुण में भी होता है और निर्गुण में भी होता है, दोनों संप्रदायों को चरणदास जी संप्रदाय महत्व देता है। तो मोटी मोटी जानकारी आप इस प्रकार से रखें। आगे अपन बात करते हैं, देखो चरणदास जी की दो शिष्याएं, चरण दास जी की दो शिष्या, ये भी आपको अच्छे से याद रखना। चरणदास जी की दो शिष्या कौन सी थी? सहजोबाई, सहजोबाई और दूसरी है दयाबाई, भूलना नहीं है इनको, सहजोबाई व दयाबाई। सहजोबाई का संबंध भी कौन से स्थान से है? देहरा। और इसका संबंध भी किससे? देहरा अलवर से, दोनों का संबंध है। इसने एक ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश, सहज प्रकाश, और इसने लिखा था दया बोध, दया बोध, और एक और है विनय मालिका, विनय मालिका। इस प्रकार से आप चाहो तो इनको भी यहां से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इसमें एक बहुत बढ़िया गजब का प्रश्न आता है, एक नादिर शाह ने आक्रमण किया था, आपको पता हो तो, नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था, किसकी भविष्यवाणी किसने करी थी? वह चरणदास जी ने करी थी। ये कोहिनूर, कोहिनूर, म्यूर सिंहासन का आपने नाम सुना होगा, म्यूर सिंहासन, म्यूर सिंहासन, इसको छोड़ दे, आप किसको याद रखोगे? इसको म्यूर सिंहासन को कौन लेके गया था? नादिर शाह। मोहम्मद शाह रंगीला जब हमारे भारत का जो राजा हुआ करता था उस समय ये इसको लेके गया था। तो आप इस प्रकार से मोटी मोटी जानकारी याद रख सकते हो, ठीक है। और एक और है, चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? तो आपको नियम याद रखने, 42 नियम होते हैं। किसमें? चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम होते हैं। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? अब चरणदास जी के बारे में। तो कितने हो गए हमारे पास में? 3 हो गए। कौन कौन से? चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और रामस्नेही संप्रदाय, ठीक है। चलो अपन और भी आगे बढ़ते हैं। मोटी मोटी चीजें ऐसी नहीं है कि 2-4 घंटे लगाओ, इनमें कुछ भी नहीं है, बस सामान्य जानकारी आपको याद रखनी है। चलो एक और संत आते हैं, जाम्बोजी, खूब नाम सुना होगा आपने, जाम्बोजी। जाम्बोजी सबसे पहले तो आपको इनका जन्म याद रखना है। तो जन्म कहां पर हुआ था इनका? पीपासर में, पीपासर, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ, किनका? जाम्बोजी का। और इनके प्रधान पीठ कहां पर बनी हुई है? प्रधान पीठ ये बनी हुई है मुकाम में, कहां पर बनी हुई है? मुकाम में, है ना। तो आप इसको भी आराम से, मुकाम बीकानेर, है ना, इनकी प्रधान पीठ बनी हुई है, ठीक है। और इसके बाद में देखो अपन जाम्बूजी के बारे में जानते हैं। तो जाम्बूजी को अपन बोले जो विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय की शुरुआत किसने करी? जाम्बोजी ने, जाम्बोजी, ये भी आपको याद रखना है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय में कितने नियम है? 20+9=29 नियम, विश्नोई, 20 और 9, है ना। तो कितने नियम है विश्नोई संप्रदाय में? 29 नियम है। और चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम है? 42 नियम है, ठीक है। चलो जो यहाँ पर अपन मुख्य बात करते हैं इनकी, तो विश्नोई संप्रदाय के सर्वाधिक व्यक्ति कौन से जिले में रहते हैं? जोधपुर में रहते हैं, आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, कौन? विश्नोई संप्रदाय के। और ये पर्यावरण को ज्यादा महत्व देते हैं, किसको? पर्यावरण रक्षा, पर्यावरण रक्षा और वनों, वनों
की कटाई पर रोक। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। और आगे मैं और जानकारी बता दूं, पर्यावरण वैज्ञानिक, कौन सा आपको याद रखना है, पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहा जाता है, आप आराम से याद रखें, जांबोजी को। जांबोजी को क्या कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक। अगला है गूंगा गेला, गूंगा गेला संत, गूंगा गेला संत किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा, जांबोजी, ठीक है ना। जांबोजी ने दो चीजों का, विशेष तो वनों की रक्षा, वनों की रक्षा व पर्यावरण की रक्षा। मोटा मोटा आप दोनों को याद रखना, वनों की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा पर इन्होंने अपना जीवन व्यापित किया, ठीक है। अपन और इसके बाद में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके ये जरूर याद रखना, पर्यावरण वैज्ञानिक और गूंगा गेला संत किसको कहा जाता है, जांबोजी को कहा जाता है, ठीक है। चलो अपन इसके बाद में और देखते हैं, जांबोजी की प्रसिद्ध पुस्तकें ग्रंथ, जांबोजी के प्रसिद्ध ग्रंथ, पहला है जंब सागर, जंब सागर। दूसरा है जंब संहिता। और अगला है विष्णुई धर्म प्रकाश, विष्णुई धर्म प्रकाश। इन तीनों को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। जंब सागर को विष्णु धर्म का पांचवा वेद कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो, पांचवा वेद, पांचवा वेद, ठीक है ना। पांचवा वेद किसको कहते हैं, जंब सागर को। तो ये जांबोजी की रचनाएं भी हो गई, जांबोजी के बारे में पूरी मैंने आपको जानकारी बताई। अब आगे देखते हैं अपन, देखो विष्णुई संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। ये मैंने बता दिया, जांबोजी ने चलाया 29 नियम होते हैं, वनों को नहीं काटना और पर्यावरण की रक्षा पर अटूट कार्य किया, ठीक है इन लोगों ने। पर अगर अपन और आगे चलते हैं तो आपको पता होगा कि जो मोटी मोटी बात करते हैं, तो 1604 में गोरा व कर्मा, गोरा व कर्मा 1604 में राजस्थान में सबसे पहले गोरा व कर्मा ने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, ये भी दोनों, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से ये याद रखना है, कब, 1604 में। और अपने सुना है 1730 में अमृता देवी बिश्नोई, खूब नाम सुना होगा आपने, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिला व पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये जांबोजी के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है, ठीक है। तो अपन ने अभी तक कितने संतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, लगभग 4 संतों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। चलो अपन इनको, इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं तो अपन इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास में तो एक क्या है, रामचरण जी, दूसरा है चरणदास जी, लालदास जी, और जांबोजी। आप इस प्रकार से तुलना कर करके पढ़ोगे तो आप आपकी चीज अच्छे से तैयारी कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो राम स्नेह संप्रदाय की अगर अपन बात करते हैं, तो रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो रामचरण जी का जन्म अपन ने उधर आगे बात करी थी, ठीक है। प्रधान पीठ अपन इनकी देखते हैं, रामचरण जी का जन्म वैसे कहाँ पर हुआ, सोडा ग्राम जयपुर में, ठीक है। आगे लिख देता हूं मैं जन्म,
चरण दास जी का जन्म कहां हुआ? जहां पर पड़े चरण वहां डल गया डेहरा, अलवर में। लाल दास जी का जन्म कहां पर हुआ? धोली धुवन में। और जांबू जी का जन्म कहां पर हुआ? पीपासर। कहां पर पड़ता है आपका? नागौर में। धोली धुवन कहां पर पड़ता है आपका? अलवर में। ये भी अलवर में, ठीक है, बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आप इनकी तुलना कर करके पढ़ सकते हो। ये तो इनके बारे में जन्म हो गया। अब आता है प्रधान पीठ। प्रधान पीठ किसकी? रामचरण जी की। प्रधान पीठ कहां पर है? शाहपुरा में। कहां पर है? शाहपुरा में। चरण दास जी की प्रधान पीठ कहां पर है? दिल्ली में। इनकी प्रधान पीठ कहां पर है? नगला जहाज में। नगला जहाज जिला मैंने उधर लिखा रखा है। और जांबू जी की प्रधान पीठ कहां पर है? मुकाम में, है ना। इस प्रकार से आप ये आप याद रखो जन्म, ये याद रखो प्रधान पीठ। और इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं संप्रदाय। कौन सा टॉपिक है अपना? संप्रदाय। रामचरण जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय। चरण दास जी ने कौन सा चलाया? चरण दासी संप्रदाय। लाल दास जी ने कौन सा चलाया? लाल दासी संप्रदाय। और विष्णोई संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसी तरीके से आप याद रखें। विष्णोई संप्रदाय में कितने नियम है? 20+9=29। लाल दासी संप्रदाय में कितने चरण है, कितने नियम है? 42 नियम। इस प्रकार से ही आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें देखो मोटी मोटी बात क्या बताई थी मैंने, इनको बोलते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक। क्या बोलते हैं इनको? पर्यावरण वैज्ञानिक। और दूसरा गूंगा गेला, गूंगा गेहला इनको बोला जाता है। लाल दासी संप्रदाय के लोग क्या है? कमाकर खाते हैं, कमाकर खाते हैं, ठीक है। गधे पर उल्टा बैठा कर काली पोत के मुंह पे और इस संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, ठीक है। और चरणदासी संप्रदाय में मैंने बता दिया जन्म वगैरह है। प्रधान पीठ दिल्ली में चरणदासी संप्रदाय चलाया, इसमें 42 नियम होते हैं। इसकी कितनी प्रधान पीठें होती है ये आप अलग से याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चरणदास जी संप्रदाय, ठीक है, इसमें नहीं सॉरी इधर राम स्नेही संप्रदाय की कितनी पीठें हैं? 4 पीठें हैं। कौन कौन सी है? मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी। तो शाहपुरा, पहली पीठ का नाम क्या है? शाहपुरा, रेण, खेड़ापा और सिंहथल। इस प्रकार से ये हमारे पास में 4 फीटें हैं। इस प्रकार से आप इसी प्रकार का चार्ट बना बना के इन चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बारे में अपन और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो भी चीजें हैं। देखो इसके बाद में एक संप्रदाय आता है, मीरा संप्रदाय। मीरा संप्रदाय, इसका दूसरा नाम है दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय, मीरा संप्रदाय बोलो या फिर दासी संप्रदाय बोलो, मोटी सी बात है, सब जानते, कौन नहीं जानता मीरा बाई के बारे में, ठीक है। जन्म कहां पर हुआ मीरा बाई का? तो आपको पता होगा कुड़की में। और ये कुड़की कहां पर पड़ता है?
पाली में। जन्म कब हुआ? 1498 में। कौन सी सदी में हुआ? देख लो आप, इनका जन्म तो वैसे 15वीं सदी में हुआ और इनकी कर्म स्थली लगभग कौन सी में? 16वीं सदी में। और एनसीईआरटी में एक प्रश्न दे भी रखा है, मीरा कौन सी सदी की प्रसिद्ध महिला थी, संत महिला थी, तो कौन सी थी वो? वैसे तो 16वीं सदी की, ठीक है। ऑप्शन में एक बार 15वें अगस्त क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था, पर वैसे तो कौन सा इसका आंसर माना जाएगा? 16वीं सदी की प्रसिद्ध संत महिला थी, ठीक है। जन्म, इसका विवाह कहाँ पर हुआ? तो आपको पता होगा मेवाड़ के जो शासक हुआ करते थे कौन? भोजराज, ठीक है, राणा सांगा के परिवार से भोजराज, इस भोजराज से विवाह हुआ था, ठीक है। विवाह कब हुआ था? 18 साल में शादी होती है, 18 जोड़ दो कितना आता है? 1516 में, 18 साल में शादी हो गई, किसकी? भोजराज से, मीराबाई की। पर कुछ समय के बाद में क्या हुआ, इनके पति की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, ये विधवा हो गई थी। उसके बाद में इसने क्या किया, कृष्ण भक्ति शुरू कर दी, और कृष्ण भक्ति शुरू करने के बाद में जो इनका जो देवर था कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, मेवाड़ के जो शासक थे विक्रमादित्य, उन्होंने हत्याचार शुरू कर दिए, मीराबाई को मारने का विभिन्न प्रकार का प्रयत्न किया, आप भी जानते हो, जहर वगैरह दिए, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। फिर भी मीराबाई ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, और इसके बाद में इसका 1549 में मीराबाई का निधन हो गया, ठीक है। तो आप ये भी इस प्रकार से आप ये जानकारी रख सकते हो। मीरा संप्रदाय, दासी संप्रदाय किसने चलाया? मीराबाई ने। मीराबाई ने जो अंतिम समय बिताया था वो कहां पर बिताया था? रणछोड़दास, गुजरात में पड़ता है। रणछोड़दास जी के मंदिर में क्या हुआ था? इसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में कहते हैं कि ये समा गई थी। तो मीराबाई के बारे में, मीराबाई की क्या प्रसिद्ध पदावली, क्या प्रसिद्ध पदावली, तो आप इसके बारे में इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। ये मैंने आपको कम से कम 5 के बारे में यहाँ पर बताया, और अगले टॉपिक में अपन ऐसा करेंगे जितने भी छोटे मोटे संत वगैरह है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो मतलब बहुत सीधी सी चीज़ें, कुछ नहीं है, आराम से आधे आधे घंटे के 2 वीडियो आप आराम से पूरा देख के, और इन्हीं चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न और कहीं से भी नहीं बन के आते हैं। सारी चीज़ों को याद रखना, किसका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। चलो देखो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, उसकी फटाफट अपन रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, संत रामचरण जी के बारे में जन्म वगैरह, सोडा ग्राम में, आप याद रखो, निर्गुण भक्ति धारा के थे, बचपन का नाम राम किशन था। राम सने संप्रदाय की जो स्थापना रामचरण जी ने करी थी, गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं। मोटी मोटी बातें देख लेते हैं, ठीक है, चलो। इसके बाद में रामसने संप्रदाय की प्रधान पीठें 4 पीट होती है, ठीक है, सापुरा, रेण, सिंगतल और खेड़ापा। सापुरा भीलवाड़ा में, रेण अलवर में, सेतल बीकानेर में, खेड़ापा नहीं, ये गलत हो गया, नागौर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आप इसको सही कर लें। खेड़ापा कहाँ पर है हमारा? जोधपुर में, ठीक है, इसको सुधार लेना आप जो भी अपन ने पढ़ा था। चलो अपन आगे देखते हैं। लालदास संप्रदाय, याद रखना, लालदास जी ने चलाया था। लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? धोली धुवन अलवर में हुआ था। लालदास संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? ये नगला जहाज में, यहां पर भरतपुर में, और समाधि इनकी कहां पर बनी हुई है? शेरपुर में, अलवर में, ठीक है, मोटा मोटा देख लेंगे अपन। चलो इसके बाद में लालदासी संप्रदाय के बारे में और काम की बातें। लालदासी संप्रदाय में यदि आप दीक्षित होना चाहते हो तो क्या होगा? गधे पर आपको उल्टा बैठना पड़ेगा, काली पोतनी पड़ेगी, ठीक है, और ये खुद कमा के खाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये लगभग विवाह करते हो अपनी मेव जाति में ही करते हैं, ठीक है। इनकी प्रधान, इनका जन्म वगैरह हो गया, प्रधान पीठ हो गई, और ये समाधि। चलो अगले आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान, चरणदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? डेरा अलवर में हुआ। प्रधान पीठ कहाँ पर है इनकी? राजस्थान में नहीं है, इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में, और ये सगुण निगुण दोनों भक्तियों को महत्व देते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। चरणदास जी की 2 शिष्याएं थी, सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई, दयाबाई दोनों का संबंध कहाँ से? डेरा से। इसके 2 प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम भी आप इनको आराम से देख लें। चलो जाम्बू जी के बारे में बताया, फिर मैंने जाम्बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ? पीपासर में, नागौर में हुआ। प्रधान पीठ मुकाम बीकानेर में। विष्णोई संप्रदाय की स्थापना किसने करी? जाम्बू जी ने। इसमें कितने नियम होते हैं? तो इसमें 20 और 9 29 नियम होते हैं, ठीक है। पर्यावरण वैज्ञानिक गंगा गेला के नाम से इनको जाना जाता है।
इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो इनकी जो रचनाएं भी आप याद रख सकते हो, जंब सागर, जंब संहिता और विष्णुय धर्म प्रकाश। जंब सागर को क्या कहते हैं, विष्णुय धर्म का पांचवा वेद कहा जाता है। चलो विष्णुय संप्रदाय, देखो इसमें काम काम की मोटी मोटी बातें आप याद रख सकते हो। 1604 में गोरा और कर्मा ने वनों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, और 1720 में अमृता देवी विष्णुय के नेतृत्व में 363 महिला और पुरुषों ने अपनी जान दी थी वनों को बचाने के लिए। ठीक है, और अपन आगे देख लेते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ मैंने आपको इसको बताया था, यहाँ पर चारों को तुलना करके बताया था, रामचरण जी का ये सभी का सोडाग्राम में जन्म, इसका ढेरा में जन्म, धोली धुवन में जन्म और पीपासर में जन्म, प्रधान पीठे मैंने चारों के लिख करके, शाहपुरा दिल्ली, इधर नगला जांच और उधर मुकाम, और राम सनी संप्रदाय, लाल रामचरण जी ने चलाया, चरणदास जी ने चलाया, लालदास जी ने चलाया और जाम्बू जी विष्णु संप्रदाय जाम्बू जी ने चलाया। और ये यहाँ पर आ गई वापिस इसकी चार फीटें। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, रेण अलवर में, खेड़ापा जोधपुर में है और सिंहतल बीकानेर में। ठीक है, चलो आप आगे और देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने मीराबाई के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था, मीरा संप्रदाय बोलो या दासी संप्रदाय बोलो, दोनों को मीरा ने चलाया था, एक ही नाम है। और जन्म इनका कुड़की में हुआ था, कुड़की पाली में पड़ता है, 1498 में जन्म हुआ था। और 16वीं सदी की प्रसिद्ध संत महिला है, और मेवाड़ के शासक भोजराज से विवाह हुआ था 1516 में। ठीक है, विक्रमादित्य ने जहर देने की कोशिश करी थी, और अंतिम समय इन्होंने द्वारका में बिताया था। कहाँ पर? द्वारका। ये द्वारका में कौन सा? रणछोड़ दास जी का मंदिर, और इसमें विलीन हो गई थी। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये मोटी मोटी जानकारी बताई थी। ठीक है, चलो धन्यवाद।